Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's maths class. Students, in today's class, we are going to start our new chapter. Chapter number 2, Operations on Large Numbers. क्या स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन इन योर प्रीवियस क्लासेस, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डू दिस सेम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, बट विथ बिगर नंबर्स. ओके, हम बड़े नंबर्स के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेट्स रिकॉल, मतलब रिविजन करेंगे पहले थोड़े छोटे डिजिट्स के साथ, फिर वी विल स्टार्ट, देन वी विल स्टार्ट विथ बिगर डिजिट्स. सो आर यू ऑल रेडी स्टूडेंट्स? As we have completed exercise 1C and then comes mixed bag of first chapter. So students, that mixed bag we will discuss in our live session. Okay. So for mixed bag, leave 2 pages. Kitne pages chhodne hai aapko? 2 pages. This is 1 page and सेकेंड पेज. ओके, ऐसे आपको 2 पेज छोड़ने हैं मिक्स्ड बैग के लिए. ओके, एंड दैट वी विल बी डिस्कस इन अवर लाइव सेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर आफ्टर लिविंग 2 पेजेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ गिव हेडिंग चैप्टर नंबर 2, ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स. क्या नाम है हमारा चैप्टर का? ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स, चैप्टर नंबर 2, ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स. Students, now you will be thinking, what is operations on large numbers? So students, operations on large numbers means we will do addition, subtraction, division and multiplication in this chapter. Okay, so first of all we will start with let's recall. So give heading let's recall. Okay, now question number 1 is fill in the blanks. Question number 1 क्या है? Fill in the blanks. Okay? So students, number 1 is, number A, 2164 plus 1000 is equals to dash. स्टूडेंट्स, 2164 में हमें 1000 प्लस करना है. तो स्टूडेंट्स, वी कैन डू इट ओरली. सी हियर, देयर इज नॉट अ सिंगल नंबर, ऑल द 3 डिजिट्स आर 0 एंड देयर इज ओनली 1 नंबर इन थाउजेंड्स प्लेस, दैट इज 1. तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो भी नंबर थाउजेंड्स प्लेस में होगा उसमें सिर्फ हमें प्लस 1 करना है. तो यहां पर थाउजेंड की प्लेस पर कौन सा नंबर है? 2. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज 2 प्लस 1? 3. तो उसका आंसर हो गया 3164. राइट स्टूडेंट्स, इफ वी एड एनी नंबर विथ 0, आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. यानी कि आप 0 में कोई भी नंबर प्लस करोगे. से सपोज यू आर एडिंग 0 एंड 4, तो 0 प्लस 4 इज 4. मतलब आप कोई भी नंबर 0 के साथ प्लस करोगे तो आपका आंसर वो नंबर ही रहेगा. सो स्टूडेंट्स, 2164 प्लस 1000 इज 3164. अंडरस्टूड? ओके. नंबर बी, 2,34,785 प्लस डैश इज इक्वल्स टू
3,34,785. So students, can you see anything over here? क्या आपने कुछ देखा? Yes, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बाकी सारे digits सेम है. तो मैं 2,34,785 में क्या प्लस करूंगी? तो 3,34,785 आएगा. सिर्फ यहाँ पर एक डिजिट का ही चेंज है, बाकी सब डिजिट सेम है. तो स्टूडेंट्स, मैं उसमें क्या प्लस करूंगी? 1 लाख. क्या प्लस करूंगी? 1 लाख, क्योंकि 2 और 3 में सिर्फ एक नंबर का ही डिफरेंस है. तो मैंने 2 में कितने प्लस किए होंगे? तो यहाँ पर 3 आया होगा, 1. तो स्टूडेंट्स, 2,34,785 प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 3,34,785. Understood all of you? Okay. So students, number C you have to try. Now comes number D. That is 54,896 minus 100. Students, हमें जो number दिया है उसमें से हमें सिर्फ 100 minus करना है. तो यहाँ पर 100 की place पर क्या है? 8. क्या है? 8. तो स्टूडेंट्स, 100 की प्लेस पर जो भी नंबर है उसमें से सिर्फ हमें 1 माइनस करना है. व्हाट इज 8 माइनस 1? 7. बाकी के जो भी डिजिट्स है वो सेम रहेंगे. सो स्टूडेंट्स, अवर आंसर इज 54,796, क्योंकि हमें सिर्फ 100 माइनस करने हैं और यहाँ पर 100 की प्लेस पर क्या है? 8. सो 8 माइनस 1 इज 7. अंडरस्टूड? Now coming to number E, 947 multiplied by 1000 is equals to dash. Now students, if we are multiplying any number with 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? व्हाट इज 947 वन्स आर 947 एंड हाउ मेनी जीरोस? 1, 2 एंड 3. सो दोस जीरोस वी विल राइट हियर. सो स्टूडेंट्स, अवर आंसर इज 947,000. जब हम कोई भी नंबर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख या फिर 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो नंबर है वो लिखेंगे और पीछे जितने भी जीरोस है वो हम पीछे ऐड कर देंगे. सो यहाँ पर था 947, वो हमने लिखा एंड 3 जीरोस. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर एफ इज योर होमवर्क. एफ एंड जी इज योर होमवर्क. लास्ट टाइम आई विल डू हियर नंबर एच, दैट इज 7,600 डिवाइड बाय 100. स्टूडेंट्स, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन में जीरोस प्लस करते थे, मतलब हम पीछे लिख देते थे, अब आया डिविजन्स. यहाँ पर भी 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो कट हो जाएंगे डिविजन में. तो स्टूडेंट्स, क्या बचा? 76 डिवाइड बाय 1. सो स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर वो नंबर है वही आएगा. तो हमारा आंसर बन गया 76. Understood all of you? Okay. A, B, D, E, H. I have discussed here. Now you have to try C, F, and G. These 3 sums you have to try by your own. Okay, students? Now moving to next exercise, that is question number 2. Okay, now question number 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks with the symbol for the correct operation. For the correct
ऑपरेशन। अब हमें यहाँ पर साइन सिंबल्स, ये हमारा पूरा चैप्टर ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऊपर है, तो हम यहाँ पर ये वाले साइन यूज करेंगे और ब्लैंक्स को फिलअप करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ नंबर ए, फोर थ्री टू फाइव ब्लैंक हंड्रेड इज इक्वल्स टू फोर फोर टू फाइव। यहाँ पर स्टूडेंट्स हंड्रेड्स दिया है, तो हम हंड्रेड के प्लेस वाला नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, थ्री, और यहाँ पर हंड्रेड के प्लेस पर क्या हो गया, फोर। मतलब कुछ प्लस हुआ, तो थ्री प्लस वन फोर होता है, तो यहाँ पर किसकी साइन आएगी, प्लस, यानी कि 4325 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 4425। अंडरस्टूड? नाउ नंबर बी, 297 ब्लैंक 1000 is equals to 297,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर 297 दिए हैं और पीछे कितने जीरोज है, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 और पीछे 3 जीरोज। तो इसको हमने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई भी नंबर को 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 या 1,00,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आते हैं और पीछे जितने भी जीरोस है वो ऐड हो जाते हैं, मतलब हम उसको लगा देते हैं पीछे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 297 था, तो यहाँ पर भी 297 आया, और यहाँ के 1000 के 3 जीरोस तो वो पीछे लग गए, तो ये क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? नंबर सी, 9800-100 इज इक्वल्स टू 98। स्टूडेंट्स यहाँ पर पीछे दो जीरो से, यहाँ पर भी दो जीरो से, पर जब उसका रिजल्ट है तो वो दो जीरो कट हो गए, निकल गए, तो मतलब हमने ये क्या किया होगा, डिवाइड। क्या किया होगा, डिवाइड। अंडरस्टूड? लास्ट नंबर डी, 2789-100 इज इक्वल्स टू 2689। स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 का कुछ दिया है, तो आप 100 के प्लेस पर इधर क्या दिया है, 7, और आंसर में के 100 के प्लेस पर क्या दिया है, 6। मतलब कुछ कम हुआ है, 7 से 6 कम हुआ, कितने से कम हुआ, 100 से हुआ। तो यहाँ पर 100 दिया है तो प्लस, अगर इंक्रीज होता तो प्लस होता, अब ये 7 से कम होके 6 हो गया, तो मतलब हमने क्या किया है, माइनस। आया समझ में? ओके गुड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, ऐड। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या करना है, ऐड यानी कि प्लस करना है। ओके सो नंबर ए, 4, 5, 9, 7, 6 प्लस 3, 2, 4, 6, 5। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज 6 प्लस 5, यस 11। बट स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, व्हेनेवर वी डू addition or subtraction we will always move from right to left, okay, we will not come from left to right, hum kabhi yahan se yahan tak nahi aayenge, yahan se yahan jayenge, okay, so what is 6 plus 5, yes 11, one we will write here, one carry over, now students what is 1 plus 7, 8, and 8 plus 6, 14, so 4 here, 1 carry over. Now what is 1 plus 9, 10, 10 plus 4, 14, 4 here, 1 carry over. Now what is 1 plus 5, 6, and 6 plus 2 is 8, and what is 4 plus 3,
7. So students, our answer is 78,441. Understood? In this way we have to add the numbers. Now students, coming to number B, that is your homework. Okay, B you have to try at your own. So now moving to next question, that is question number 4, subtract. अब हम क्या सीखेंगे इसमें? Subtraction. Okay. So students, first number A is 7004 3 5 -6 3 7 5 3 4. Okay students, now what is 5 minus 4 1, 3 minus 3 0, 4 minus 5, is it possible? Can we subtract a smaller number from bigger? No. So we have to borrow 10. So we will cut 4 and write 14, क्योंकि हमने 10 borrow किया. अब मैंने यहां से borrow किया, तो इस यहां पर 0 को 9, 0 को कट करके 9. इधर भी 0 को कट करके 9 और इधर भी 7 को कट करके 6. Okay. So students, now what is 14 minus 5? 9. What is 9 minus 7? 2. 9 minus 3? 6. What is 9 minus 3? 6. And 6 minus 6? 0. So students, our answer is 62,901. Okay, students, now number B, you have to try at home, okay? Now moving to next question, that is question number 5. Write the quotient and remainder without actual डिवीजन. स्टूडेंट्स, हमें यहां पर डिवीजन किए बिना क्वोशेंट एंड रिमाइंडर लिखना है. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज क्वोशेंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर? ओके, गुड. क्वोशेंट यानी कि जो हमारा डिवीजन का आंसर आता है, द आंसर ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशेंट. एंड रिमाइंडर यानी कि हमारा सम खत्म होने के बाद लास्ट में जो नंबर बचता है, दैट इज द रिमाइंडर. The number which left after dividing the numbers is remainder. And the answer we get after dividing the numbers is quotient. Understood? अब हमें यहां पर division किए बिना इन सबका answers लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? देखते हैं. Number A, 2135 divide by 10. स्टूडेंट्स, ये नंबर हमको डिवाइड करना है 10 के साथ. ओके, तो स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी नंबर को 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं और पीछे 0 नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? अब स्टूडेंट्स, 10 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो 10 में कितने जीरोस होते हैं? 1. कितने जीरोस होते हैं? 1. तो स्टूडेंट्स, पीछे का जो एक नंबर यानी कि 1 है, वो हो जाएगा रिमाइंडर और ये बाकी का सब क्या होता है? क्वोशेंट. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर लिखेंगे उसका क्वोशेंट कितना है, 213, एंड उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 5. ओके, नाउ नंबर बी, forty-two thousand six hundred fifty-seven divide by
100। स्टूडेंट्स 100 में कितने जीरोज होते हैं? दो। कितने जीरोज होते हैं? दो। तो स्टूडेंट्स पीछे के ये जो दो डिजिट है दैट इज 5 and 7 वो हमारा रिमाइंडर होगा और ये 426 हमारा क्वोशेंट बन जाएगा। तो क्वोशेंट क्या हुआ हमारा 426 एंड रिमाइंडर हो गया 57। अंडरस्टूड? नंबर सी 6874 डिवाइड बाय 10। स्टूडेंट्स हमें ये नंबर को 10 के साथ डिवाइड करना है। तो 10 में कितने जीरोस होते हैं? 1। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो हमारा रिमाइंडर होगा और ये आगे के जो तीन डिजिट्स बच रहे हैं वो हमारा क्वोशेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्वोशेंट में क्या लिखेंगे? ये 687 और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हु विल टेल मी? यस, व्हाट इज द रिमाइंडर? 4। हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 4। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस वीडियो। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन अवर स्कूल्स एप्लीकेशन। We will meet soon. Till that, goodbye and take care.